नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। आपको बता दें, दुर्गा धाम पंचमुखी गणेश मंदिर में भव्य कार्यक्रम का व कथा, पत्रकार प्रिया सोनी को किया गया सम्मानित। कानपुर शहर के गुजैनी में स्थित दुर्गा धाम पंचमुखी गणेश मंदिर में नवरात्र के शुभ अवसर पर भव्य कार्यक्रम सद्गुरु स्वामी राजेंद्र जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसमें भगवान की झांकी का भी प्रोग्राम किया गया और सद्गुरु स्वामी झांकी आपको बता दें, सद्गुरु स्वामी राजेंद्र जी महाराज ने अपने वचनों को भी रखा एवं स्वामी राजेंद्र जी महाराज द्वारा पत्रकारों का को भी सम्मानित किया गया। बता दें, इस मंदिर की स्थापना सन 1986 में एक मकान लॉटरी में निकला था, जिसमें सद्गुरु स्वामी विष्णु शर्मा भारद्वाज के सानिध्य में मंदिर की छोटे स्वरूप में स्थापित किया गया, जो अब विशाल रूप ले चुका है। अब पंडित राजेंद्र भारद्वाज महाराज के सानिध्य में स्थापित है। यहाँ पर मुख्य रूप से गणेश महोत्सव का कार्यक्रम हर साल किया जाता है। 2022 में गणेश महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से होना था। ब्रजेश कुमार बादल, जगह न्यूज 24 से, समाचार सह संपादक, कानपुर। सन 1984 के समय से ये गुजैनी क्षेत्र की लॉटरी पड़ रही थी, तो उस समय जो है हमारी लॉटरी निकली, जो स्टेज पे बुला करके हम लोगों को ये मकान सौंपा गया और हार्दिक इच्छा थी सद्गुरु स्वामी विष्णु महाराज जी की कि वहाँ पर एक मंदिर को स्थापित किया जाए, वहाँ पर एक मंदिर को स्थापित किया जाए। और जब मिला तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जो इस समय जो है मंदिर का विशाल रूप ले चुका है और अनेक तरीके की मूर्तियाँ हैं, जिसमें पंचमुखी गणेश भगवान है, गंगा माता है, विष्णु भगवान है, माता रानी है, शंकर भगवान हैं, कई तरह के यहाँ पर जो है इष्ट देव हैं। और यहाँ पर जो उत्सव मनाए जाते हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है गणेश जन्मोत्सव है, जो इस समय हम लोग 75वां गणेश जन्मोत्सव, अब आगामी गणेश जन्मोत्सव 75वां गणेश जन्मोत्सव है, यानी गोल्डन जुबली है, तो उसके डायमंड जुबली है, तो उसको हम मनाने के लिए जो है बड़े अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नया दिखे उसमें, ताकि जो है हमारे जनता जनार्दन में उत्सव उत्साह जागे और हर एक को जो है साथ रहने के लिए जिस तरह मोदक अनेक कणों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह से हम मोदक के रूप में न सही, हम जनता जनार्दन के रूप में मिल करके उस विघ्न विनाशक गणेश भगवान का, मंगल मूर्ति का जन्मोत्सव मनाएंगे।